यूपी के सहारनपुर की बात करते हैं, जहां पर गांव मोहड़ा के किसान की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। किसान की हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं मृतक किसान के परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जो जो लड़का है सुनील जी, इसने ऐसे दारूबाज है, इसने एक दो बार पहले भी इस तरह की हरकत कर दी। मैंने एक सतपा है पहले इसके बीच में चक्कू चक्कू मार रखे, सताप का गोली मारी थी। तो यहाँ से शाम के टाइम आया होगा 10-11 बजे, ये उसने छुटन गया होगा उसके पास, वही उस पर उसने अटैक कराया। अटैक करने के बाद वही मार रखा, खाट में बुल रही थी, सारे लग पर थे खून पे, पकड़ा गया मुखे में, मुखे पकड़ लिया। और नहीं मुखे पर क्या, सुबह जैसा पता लगा इस चीज का, कपड़े कुपड़े सारे बढ़ रहे थे, ये उसने छुटन गया होगा सुरेंद्र उसने उसके मकान पे, और वहीं से उसका मर्डर कर फिर नीचे सुबह रात के टाइम को रिव्यू गेट दिया होगा। तो सुबह जैसा पता लगा कि इसका डाव बहुत से तरह की रहा था, हुई था शाम के टाइम 11 बजे तक उसके साथ ही था। देखा उसकी पैंट फूट सारी कपड़े, उसकी चार पाई जिस पर उठ रहा था वो सारी खून में लथपथ थी जी। क्या हुआ रात 12:30 बजे अपने घर ले गया थे, उसके बाद इनने मारा, उसके बाद चोर में भेज दिया। कौन था ये मारने वाला? सुनील। कुछ रंजिश थी? कोई रंजिश नहीं, ड्रिंक करा था वैसा, कभी कभार आ जाता जाता, रोटी राटी खा जाता भी। आप घर आता रहता था? हैं जी, घर आता का रहता था। हाँ घर आता रहता था। फिलहाल पुलिस ने मृतक किसान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। बहरहाल किसान की हत्या के बाद पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना आई थी गांव के जरिए मिली थी, जिस पर हम लोग वहां पर मौके पर पहुंचे। तो मोहड़ा गांव में एक सुरेंद्र शर्मा जी लगभग 60 वर्ष की उम्र है उनकी, तो उनकी हत्या कर दी गई है। और बगल में ही एक वहीं पर रहता है जिसका नाम नहीं है, ये सुनील जी, ये सुनील गुर्जर है जात से। दोनों ही नशा करते थे पहले से ही, आपस में बैठा होती थी एक साथ में। तो ये लगभग 11 बजे के करीब भी, 11:30 बजे इनका परिवार कहना है कि देखा गया है, ले जाते हुए बुलाते हुए इनको। सुबह के टाइम लगभग ये फिर गए हैं, बुलाया गया जैसे भी, तो ये वहीं पर बैठ करके लगभग 3:30 बजे रात की बात बता रहे हैं। तो उसी समय इसको चाकू से मार करके और इसने बाहर उधर रोड के उधर एक गड्ढा है उसे डाल दिया। और अभी तक ये चीज प्रकाश में आई है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी और साक्षियों की तलाश की जा रही है। सब पता कुछ जानकारी इस प्रकार की भी है कि सुनील पर पहले भी कोई इस प्रकार के? हाँ सुनील पे थोड़ा सा दारूबाज किसी का उस तरीके का था, तो चाकू को संबंधी कुछ चीजें और इसकी पहले से किया करता था, सिलसिला टाइप का उस तरीके का था। तो ये इस समय इसकी गिरफ्तारी कर ली गई और बाकी और भी जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है जैसा भी। थैंक यू।